हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि हमारे फ़ोन में थ्री फिंगर्स कैसे ले सकते हैं। जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन में जैसे हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है तो स्क्रीनशॉट बहुत फ़ोन में नहीं आते हैं। जैसे हम बहुत फ़ोन में है कि थ्री फिंगर्स लेते हैं, थ्री अगर फिंगर्स हम ले स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट आ जाती है, और थ्री फिंगर्स बहुत फ़ोन में नहीं आते हैं। तो बहुत फ़ोन में क्या होता है, सैमसंग जो पुराने मॉडल आते थे जैसे सैमसंग J2 हो गया, जब सैमसंग J7 हो गया, ये सब मॉडल्स में क्या होता है कि ये वाले बटन्स है, ऑन ऑफ बटन्स और वैल्यूम बटन्स और नीचे वाला जो बटन्स था उसको हम दबा के स्क्रीनशॉट लेते थे। लेकिन अब जब कंपनी ने अपडेट कर दिया, जब न्यू फोन जब आने लगे, फिर उसमें क्या हो गया, थ्री फिंगर्स हो गए। थ्री फिंगर्स, तीन फिंगर्स से हम स्क्रीनशॉट लेना हो गया। और बहुत फ़ोन में क्या होता है कि फ़ोन में फंक्शन रहता है, बट उसमें क्या होता है कि हमें सेटिंग्स नहीं ऑन होता है, हमारे सेटिंग्स हमें नहीं पता होता कि ऑन कैसे करना है, और जिसकी वजह से हम इस थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो इसी उसी चीज़ के बारे में, उसी सेटिंग्स के बारे में बात करें कि हम कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं थ्री फिंगर्स की, उसी सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले फ्रेंड्स। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सो सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स हम आ जाएंगे सीधे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स दिया हुआ है, बहुत सारे फोन में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी फ़ोन के सेटिंग्स होंगे ना, फंक्शन की फंक्शन होंगे, वो सारे यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे यहाँ पर नेविगेशन दिया हुआ है, जैसे कि हमारे नीचे पर बटन जो चेंज करना होता है वो चीज़ हम यहाँ पे चेंज करते हैं। नेविगेशन पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे देख सकते हैं, तीन जो बटन्स हैं यहाँ पे सजेस्टर दिया हुआ है। तो बटन्स पे हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सभी बटन्स आ जाएंगे। दो बटन है इसमें हमारे में, तो दो बटन्स यहाँ पे खुल जाएंगे। आप दोनों में किसी एक को लगा सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे नीचे बटन शो नहीं करता है तो आप बटन शो करने लगे, देख सकते हैं मेरे में शो करने लगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बीच में आ गया, ये बटन्स खत्म हो गया, ये आईफोन वाला सिस्टम आ जाता है। तो ये नेविगेशन आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। उसके बाद हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिसेबिलिटी ऑन कर सकते हैं। डिसेबिलिटी ऑन करने के देखें, यहाँ पे डिसेबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस पावर बटन एंड कॉल्स, मतलब कि इसका है कि अगर जैसे पावर बटन है ना उसको आप क्लिक करते हैं, अगर कॉलिंग पे हैं आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन कट जाएगा। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिएगा तो आपका फ़ोन उससे कट जाएगा। प्रेस यहाँ पे लिखा हुआ प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, प्रेस कीजिएगा पावर बटन तो आपका कॉल एंड हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद नीचे आ गया था स्क्रीन शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन, शॉर्टकट यहाँ पे इसको ऑन कर देता है, अलाउ एक्सेबिलिटी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट आपका स्क्रीन लॉक शॉर्टकट आपका स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आते हैं तो SSD बेल दिया हुआ है, SSD बेल ऑन करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बेल पर क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ पे गोल एक घेरा जैसे आता है ना आईफोन में, उस तरह का इसमें हमारे फ़ोन में भी आईफोन तरह इसमें हमारा गोल घेरा आ जाएगा। तो इसको हम ऑन करके यहाँ पे बटन टैप लगा सकते हैं, गो बैक यहाँ पे डबल टैप करके यहाँ पे लगा सकते हैं, टच होल्ड करके लगा सकते हैं। यहाँ पे सारे दिया हुआ है, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बैक कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन है, ऑन हेडेड मोड है, सिस्टम मोशन है। यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आप क्लिक कर देना है। स्क्रीनशॉट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री फिंगर्स क्लियर स्वाइप डाउन, नीचे की तरफ कीजिएगा ना तो आपका स्क्रीनशॉट वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑन है, आपका यही ऑन नहीं होता है जिसके वजह से आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट थ्री फिंगर से नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है, आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थ्री फिंगर टच एंड होल्ड, आप थ्री फिंगर टच कीजिएगा तो आपका फ़ोन होल्ड हो जाएगा। इसको अगर ऑन कर लीजिएगा, जैसे हम इसको ऑन कर लेते हैं तो हमको थ्री फिंगर अगर हम टच करते हैं ना तो यहाँ पे मेरा फ़ोन होल्ड हो जाएगा, कुछ देर के लिए होल्ड हो जाएगा। तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब पावर एंड वैल्यूम डाउन बटन्स स्क्रीनशॉट, हम पावर बटन और वैल्यूम डाउन बटन अगर दोनों हम दबाते हैं तो मेरा भी स्क्रीनशॉट उस कंडीशन में भी स्क्रीनशॉट आएगा। क्या आएगा, देखिए इसको ऑन करके आप रखिएगा तब जाके, या पावर बटन और वैल्यूम डाउन बटन दबाइएगा तब जाके आपका स्क्रीनशॉट आएगा। तो ये आप सेटिंग्स सारे सेटिंग्स कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर सारे दिया हुआ लेफ्ट राइट आपका जो भी रखना है आप रख सकते हैं।
उसके बाद इसको हम बैक कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन सेटिंग्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम सारे सेटिंग्स यहाँ पे आप फंक्शन जो मोबाइल का फंक्शन है ना, जिसको हैंड्स जो कंट्रोल होता है, वो सारे यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से अपना फंक्शन आप सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना सेटिंग्स फ़ोन का आप खुद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी होती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।